गांव में एक हाथी आ गया। गांव में हल्ला हुआ, हाथी आया। उस गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्हें भी उत्सुकता हुई, हम भी देखें कि हाथी बूढ़ा कैसा है। पर बेचारे देखते कैसे, वो तो छूकर ही जान सकते थे कि हाथी कैसा होता है। एक के हाथ में उसकी सूंड आई, एक के हाथ में उसका दांत, एक के हाथ में उसकी पूंछ आई, तो किसी के हाथ में उसका पैर। अब सबने आपस में वर्णन करना शुरू किया। एक व्यक्ति बोला, मुझे समझ में आ गया, हाथी रस्सी जैसा होता है क्योंकि उसने उसकी पूंछ ही पकड़ी थी। दूसरे ने बोला, नहीं नहीं, हाथी तने जैसा होता है क्योंकि उसने उसकी सूंड पकड़ी थी। तीसरा बोला, बेवकूफ हो, हाथी तो मोटे खंभे जैसा होता है क्योंकि उसके हाथ में उसका पैर आया था। चौथे ने बोला, नहीं नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है क्योंकि उसने उसके कान पकड़े थे। पांचवा बोला, नहीं, हाथी दीवार जैसा होता है क्योंकि उसने हाथी के शरीर को पकड़ा था। ऐसे ही आपस में सारे लोग लड़ने लगे। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने बोला, अरे भाइयों, क्यों लड़ रहे हो? वो बोला, इस छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं करते। 6 व्यक्ति उसके पास गए, बोले, आप ही न्याय करो, हाथी कैसा होता है? उसने सबकी बात ध्यान से सुनी और हंसने लगा। बोले, आप सब सही कह रहे हैं, जिसने पूंछ पकड़ी उसे लगा रस्सी जैसा होता है और जिसने सूंड पकड़ी उसे लगा हाथी तने जैसा होता है। लेकिन दोस्तों, हाथी में यह सब होता है, इसीलिए हमको सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उसके बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। हमेशा सिर्फ अपनी बात पे अड़े नहीं रहना चाहिए, ऐसे सिर्फ झगड़े होते हैं और नुकसान होता है।